हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को पीजी एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। हमारे 2022 के लिए डेडलाइन निकल चुका है, आप यहां पे देख सकते हैं। 27 जून से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। जानने के लिए आपको गूगल में जाके www.samsodisha.government.in ये लिंक में जाके सैम्स ओडिशा यहाँ पे आ गया, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन पीजी टेस्ट 2022 कॉमन प्रॉस्पेक्टस में आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में आ जाएगा। क्या एडमिशन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, वेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, पूरा डिटेल में इस पीडीएफ में आप रीड आउट कर लीजिए थॉरली, सो दैट आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पीजी सैम्स ओडिशा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है वो है उनका लिंक है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं रीड आउट कर रही हूँ, आप खुद इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, फी स्ट्रक्चर, एसटीएससी जनरल के लिए आप लोग का 500 रुपीज़ है, एसटीएससी के लिए 300 रुपीज़। देन और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी एडिशनल एंट्रेंस सब्जेक्ट चॉइस 200 रुपीज़ बोथ फॉर जनरल एंड एसटीएससी कैंडिडेट। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर पाऊँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं बस ओवरऑली आपको दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। हमारे एंट्रेंस टेस्ट में 70 मार्क का होता है, देन 30 मार्क आपका कैरियर मार्क्स होता है जो 10th से कैलकुलेट होता है, 12th एग्जामिनेशन, देन ग्रेजुएशन का। यह है प्रोसेस, कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, कब डेट निकलता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस कैसा है, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ आपका आ गया एग्जामिनेशन सेंटर, फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विल बी सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये सब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में आप जाके एंट्रेंस दे सकते हैं, आपका नियरेस्ट जो होगा उसी को आप डालेंगे। मैक्सिमम आप तीन प्लेसेस चूज करेंगे जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, तो जो जो कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम वो सब यहाँ पे लिस्टेड है, आप अभी से देख के क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल भी दिया गया है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे 27 से होगा वो, तो आपका इस टाइप का आएगा पेज, आप इस टाइप का फिलअप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑफ एंट्रेंस सब्जेक्ट फॉर देयर करेस्पॉन्डिंग पीजी कोर्सेज इन विच स्टूडेंट इंटेंडेड, देख सकते हैं कितना पीजी एंट्रेंस सब्जेक्ट्स है जिसमें आप पीजी कर सकते हैं थ्रू CPET टेस्ट, कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट देके आप इतना सारे सब्जेक्ट में पीजी कर सकते हैं इन ओडिशा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिस्टेड हैं।
अब ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ खोल के मे भी वीडियो में क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट है, MSW भी है, मैं अभी MSW कर रही हूँ तो मैं ज़्यादातर MSW रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। और मेरे कुछ व्यूअर्स को MSW करना है। यहाँ 57 में देखिए MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी है, सारा सब्जेक्ट है, आपको जिसमें इंटरेस्टेड है आप कर सकते हैं। यहाँ आपके आ गया यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज इंटेक कैपेसिटी, कौन सा कॉलेजेस किस किस सब्जेक्ट में PG कोर्सेस देता है और इंटेक कितना सीट्स है, कितना ईयर के लिए है, यहाँ पे सारा क्लियरली मेंशनड है, आप देख सकते हैं। जो SF लिखा हुआ है साइड में वो है सेल्फ फाइनेंसिंग। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉलेजेस का दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक बटन को क्लिक कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ट्राई करूँगी। थैंक यू।